यहां तुम्हारा मालिक हो गया, तुम्हारा ही शरीर मालिक है, लेकिन मेरा स्थान कहां होगा? तुम्हारा स्थान होगा सुतल लोक में। सुतल लोक छठवां तल है, सातवां तल है पाताल, तो छठवें लोक में तुम्हारा वास होगा। तो महाराज अब मांग रहा हूं, ध्यान से सुनो, क्या मांगा राजा बलि ने? हाथ जोड़ी विनती स्वामी, अरे मोई सुतल लोक पहुंचाई दीजे, मोई सुतल लोक पहुंचाई दीजे, तामन चौखट को घर मोकू जल भी तर बनवाई दीजे। महाराज सुतल लोक में मेरा भवन होना चाहिए, मैं बामन दरवाजे होने चाहिए। सबसे पहले अगर बामन चौखट की हवेली बनी तो वो राजा बलि की बनी, उससे पहले किसी की नहीं। और महाराज जब बामन चौखट का भवन बन जाए उसमें मैं निवास करूं। असली चीज अब मांग रहा हूं तुमसे, क्या मांगा? बीच में कुरसी में दारू गुरुदेव दरवाजे पे के निकलूं, उसी दरवाजे पर तुम चौकीदार बन के खड़े हो जाए। भगवान की अब क्या बन? और इस बात को जीवन में ध्यान रखना, परमात्मा जब जब बंधाए तो भक्तों के ही बंधन में बनाए भाई, और कोई नहीं बांध पाया। हे बालको, ये और बैठे हैं पीछे, इतनी बात कोई और कर रहा है? आपने साथ पढ़ा होगा भारत की राजनीति को, पता है तुम्हें एक हमारे देश से एक शरीर ऐसा गया था बिलात में पढ़ने के लिए कि वहां के स्कूल का यह नियम था, क्या दूसरे देश का कोई बच्चा उस दरवाजे में होकर के निकलता नहीं था, अगर निकलता था तो जुर्माना देना पड़ता था। पता है वो कौन थे? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जब बिलात में पढ़ने गए थे तो दरवाजे में होकर के निकले, और जुर्माना जब बोला गया, क्योंकि राजसी द्वार था, वहां होकर के वहीं के बच्चे निकलते थे, तो यहां जवाहरलाल जी ने अपने पिता मोतीलाल नेहरू के पास पत्र भेजा कि पिताजी मैं गलती से उस रास्ता पर होकर निकल गया हूं जो रास्ता हमारे लिए नहीं है, तो वहां से जुर्माना बोल दिया गया है। कैसा देश था तुम्हारा भारत, यहां से मोतीलाल जी ने पत्र लिखा अपने बेटा के लिए, क्या अगर जुर्माना एक बार भूल गया है तो रसीद कटवाते रहना, सुबह भी उसी रास्ता से निकलना, सुबह शाम को भी उसी रास्ता से निकलना, सुबह भी वहीं से निकले और शाम को भी वहीं से निकले, और जितना जुर्माना होता था वो अदा सब मोतीलाल नेहरू करते थे। भारत ऐसा भारत सोने की चिड़िया था, इतना मजबूत था देश, पर देश को कमजोर बनाया तो हमेशा शिक्षा ने बनाया। जीवन में ध्यान रखना, अगर अच्छा शिक्षा मजबूत कैसे होगी? सभी नौजवान बच्चे ध्यान से सुने, बात आती हुआ जी कमेंट में हमारे चैनल पर कि इन चीजों को शास्त्री बताते हो, इसके लिए तुम्हें बार बार धन्यवाद है। बेटा जीवन में ध्यान रखना, अगर अवगुण नहीं होंगे शरीर में, बीड़ी गुटखा सिगरेट शराब ये अवगुण नहीं होंगे तो शरीर मजबूत होगा, शरीर मजबूत होगा, और शरीर मजबूत बन जाएगा बुद्धि मजबूत हो जाएगी, और बुद्धि मजबूत हो जाएगी तो शिक्षा मजबूत हो जाएगी,
और अब की बार ताली बजाना प्रेम से सब जोर से। कितना अच्छा दृष्टांत है विद्वानों का, क्या यह शरीर मजबूत होगा तब बुद्धि मजबूत होगी, और बुद्धि मजबूत हो जाएगी तो शिक्षा मजबूत हो जाएगी, और बेटा ध्यान से सुनना, शिक्षा मजबूत हो जाएगी तो मेरा राष्ट्र मजबूत हो जाएगा, मेरा देश मजबूत हो जाएगा। तो आज शिक्षा की कमी बनी है जितनी भी बनी है। तो राजा बलि ने मांगा, महाराज पहरेदारी चाहिए तुम्हारी। उसी समय भगवान ने सीधा पैर उठा करके रख दिया और झटका मारा, सुतल लोग में पहुंचा दिया। काय के लिए यज्ञ करी, यज्ञ जाके लिए करी कि हम स्वर्ग के मालिक बने। इसीलिए कहा है विद्वानों ने कि मन चीती ना होते और प्रभु चीती तत्काल, और राज चाहता है स्वर्ग कौसो पहुंचा दे पाता। अब राजा बलि भीतर बैठे हैं, तब आसन डाला है और मन में सोचिए कि प्रभु जो तुमने मांगा वो तो मैंने दिया, जो तुमने मांगा वो मैंने दिया, अब मैंने जो मांगा बापा तुम तैयार होकर जाओ, आ जाओ। तो बीच में कुर्सी डाली है भगवान के सामने राजा बलि ने, और हुआ क्या है, अरे बीच में कुर्सी डाली लई चौखट पे नजर जमाता है। लक्ष्मी ने कही नारद जी बिच्छू अब तो लौटे ही नहीं, बहुत दिन आए गए तुम्हारे को देखे। नारद जी ने कि चुप तुम्हें ना मालूम, मुझे ना मालूम तुम जात रहता होते होते तुम्हें सर हुई। तो नारद जी का बोले मुस्का के, अरे ब्रह्मा जी के बेटा ने अब मुकद गिरायो चारी है, यो प्यारे सैया पिछड़ू में सो कर रहे ताबेदारी है। पूछ रहे हाँ नारद तुम दुनिया में ढूंढ तुम्हें मालूम है क्यों देखे। नारद जी ने मुस्का की कही प्यारे पति महाराज की नौकरी लग गई है। एक आप पागल है गए हो नारद, हजारों वर्ष तपस्या कर जाता तो अपनी सकल ना देख पाता, सुबह कहो की नौकरी करेंगे। मैया तुम्हें विश्वास ना है तो चलो आ जाओ दिखाई दू। सो लक्ष्मी को आ नारद जी पकड़ के लाए, तो राजा बलि की कुर्सी घूम रही है, तित्ते ही भगवान भाग रहे हैं। ए लक्ष्मी ने कही है हेलो वो क्या कर रहे हो। भगवान ने चलते में कही दाम नहीं बात कर वेला। ए नारद जी जी देखियो क्या बने हुआ बने हुआ तुम्हारी संगी तो पसीना आ रहा है। नारद ने की सुन और मैया अगर छुड़ावा चाहे तो जो कुर्सी पे बैठा होगा ताई पे मांग ले और काऊ में दाम नहीं है क्या। अरे तब मातला चिनी आई अपनों नी नोई भेस छिपाई, हेलो ध्यान रखना। भारत की संस्कृति इतनी मजबूत रही है, भारत हमेशा कितना मजबूत रहा है,
अच्छा बच्चे सही बताओ हमारे भारत की राष्ट्रीय मिठाई कौन सी है? सब है मालूम है? अच्छा जेऊ मालूम है तुम्हें? जलेबी खाए थे काऊ हो तो है काऊ मालूम है जी? कह रहे हो शरीर कमजोर रह जाता है। ध्यान रखना एक गिलास दूध से जो जलेबी खाता है बुद्धिमान बन जाता है, बुद्धि तेज हो जाती है। अब कल दे बालकों पे पे घरे रोज बनवावा शुरू कर दो ठीक। हाँ अच्छा बताओ सुनो राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी, तो सुनो भारत कितना तेज है। एक बार एक अंग्रेज यहां से जलेबी खरीद ले गया और ले जाके बाद जो अपने इंग्लैंड में धरी, अब चार ओलंग जलेबी पलट के देखें, सब वैज्ञानिक इकट्ठे करें और वैज्ञानिक अंतिकी का शोध करके बताओ जब जलेबी में चाशनी कालंग है गई है। अब जलेबी सब अलग पंटे का जो दद्दा बार बड़े बूढ़े हुआ है उनकी भैया चाशनी तो जाई में पर खुशी कितने है के जिना चल पड़ रही। चारों ओलंग पलटत रहे जब ना मान परी हार गए बिल्कुल। सो कोई मुखिया जी बार आए सो उनकी के चोरे जी बताओ जा लाओ को है। एक ने की जी डेविड लाओ है भारत ते खरीद गए। तब डोकरा ने कही का उल्लू के पट्ठा सन 1947 में जब हम बात देश से छोड़ के आए तो भारत में तो समोसा खरीद लाए। आज तक तो गणित बैठो ही ना के जा समोसा में आलू कहां है के वो है। तेने को बना हुआ और बना दो ये चीज भारत में बनती है। जलेबी में चाशनी कहां है की गई है, समोसा में आलू कहां है के वो है। विदेशी वैज्ञानिक गणित ना लगा पाए और सत्या हरेक चौराहे पर चाको ही बना रहे इतना तेज है भारत। श्रोता बंधु पर अब समय बदल गया, समय बदल गया। रामायण को उठा करके देखिए, भागवत को उठा करके देखिए। भगवान राम ने जब विवाह किया था जनकपुर से कई बार बूरो खाए गए। कुंदनपुर से विवाह भगवान कृष्ण का हुआ तो कई बार बूरो खाए गए नहीं गए। और आज आज ऐसा है एक महीना में बालक 20 दिन ससुराल रह रहे हैं 20 दिन। वो मालूम है कहते कहां घर है पापा बिड्डू कर फोन कर रहे हैं क्या कह रहे हैं डोकरी कम बीमार है भैया तो ससुराल जाना भी ऐसी चलो जा पर डोकरी बीमार काई कर रहा है आज। अच्छा सुनो तुम जी कहो कि पप्पू ऐतराज का ये मनेचो कर रहे हैं ससुराल जाएगी तो बाबात की हम मने कर रहे हैं। हम खुद ना गए 24 साल से कोई मतलब ना है, कोई लड़ाई ना है, कोई लेना ना है कोई। अच्छा मां मतलब का जावे जावे को और सुनो मानत कवाए ऐसे ना मानते हैं ससुराल जवैया कम मानते हैं कि एक बार जी काए जे सुबोध लला सुबोध पीछे सो ये सुबोध चले गए भाई ससुराल ललारे ने सुबोध को मोहे तू करवा दिए बाल को त्यारो ही ना ले तू कर लो मुंह एक मिनट सुन लो बस। ये सुबोध चले गए ससुराल ज्यादा दिना में गए हेलो ऐसा वो खातर रह गई नहीं ज्यादा सो 20 दिन लौटे ही जब ना लौटे तो एक दिन इनके सारे तो सरे ने कही गए सुनतना के का है के त्याजी भेनोई का ठंडुआ है 20 दिन आए गए सारे मोहल्ला में चबूंगा परे डरे त्यागी सब बिना को दमाद जातू ही ना है। अब साले ने कही अब जी बता दे मैं का मोती कही दूं के जी जा तुम जाओ के एक काम बताऊं के का के कल तू एक काम करिएगा तू तो लड़िए मोतियों मैं लड़ूंगा तोते का उतरे तुम चले ही जाए। सो जो दूसरा दिन भाओ सो सुबोध बाबू लोटा लेके घूम के खेतन में आवे के आए लोटा धत्ते ही जाते हैं लोटा टेक ही पाए तो तक कई सारे ने सुनना रही जीजा आएगा चाय बना दे सरेज ने भीतर से गुस्सा कमा के कहा तू चूल्हे में चलो जा तो बहनोई चूल्हे में चलो जा 18 दिन आएगा चाय बना तो सारे ने कहा अरे बहनोई तो बोल कैसे रही है कैसी बोलूंगी बोलो क्या करो है
सुबह सारे ने उठा के डंडा दुआ तो दे भीत में दुआ दे सराय जमे और जो घर में रोबा पीटन पड़ी सुबोध बाबू बोले कि मियो झोला हो यो ना झोला लेके निकल गए। अब सारे ने कही सराय जते चुप रहो ये चुप रहो तुम्हारी से मैं तो झूठे घुमारी काली चरण जी खुशकपुरा से एक हार माला से हमें सम्मानित किया है धन्यवाद। और कलश वाली बिटिया खड़ी हो जाए चलो एक भगवान के नाम को अच्छा तुम लो नंबर पाओ भाई कह देंगे बाद चलो जी भरत सिंह जी चलो आओ